हेलो एवरीवन, निधि किचन अर्नो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्रत के लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और झटपट से बनकर ये तैयार हो जाती है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है सिंघाड़े का आटा 4 से 5 बड़े चम्मच के लगभग। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसका हमें एक घोल बनाकर तैयार करना है। तो पहले आप थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें, एक साथ बिल्कुल भी ना डालें। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसका एक घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही स्मूथ हमारा बैटर बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल लम्स फ्री। बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है हमें, ना बहुत ज़्यादा थिन। अब हम इसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर पाउडर अपने स्वाद के अनुसार। अभी हम इसमें सेंधा नमक या कोई भी नमक इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसे रख देंगे हम साइड में। अब यहाँ पर हम बना लेंगे स्टफिंग। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 बॉयल किए हुए आलू लिए हैं। आलू को उबाल कर पहले ठंडा कर लें, इसके बाद ही हमें इस्तेमाल करने हैं। तो आप ग्रेटर से ग्रेट कर लें, जिससे कि इसमें कोई भी लम्स या गुठलियाँ ना रह जाएं। तो ये देखिए आलू को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पत्ती, ग्रीन चिली टेस्ट के अकॉर्डिंग, ब्लैक पेपर पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा सेंधा नमक। यहाँ पर मैंने कुटी हुई मूंगफली ली है जो कि भुनी हुई है, तो 2 से 3 चम्मच हम इसमें डाल देंगे। आप यहाँ पर कोई भी काजू या फिर बादाम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून के लगभग ऑयल लिया है, जिससे कि अच्छी तरह से बाइंडिंग आए और ये बहुत ही चिकना बने। अभी हम इसमें ना ही पानी ऐड करेंगे, ना ही आटा ऐड करेंगे, और कोई भी चीज़ हमें इसमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर सिंघाड़े के बैटर का इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए बहुत ही हमारा जो टेस्टी सा स्टफिंग है वो बनकर तैयार हो गई है। व्रत में बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए मैंने बहुत ही कम डाले हैं। अब इनके हम छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, तो बहुत ही छोटे छोटे से बॉल्स बनाएं, जिस तरह का आपका अप्पे का सांचा हो बिल्कुल उसी तरह से। तो सभी बॉल्स को बनाकर हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। सभी बॉल्स हमने बनाकर तैयार कर ली हैं। तो अब हमने ले लिया है बैटर। बैटर जब हम बिल्कुल तैयार कर लें, मसाला तैयार कर लें, तभी इसमें नमक डालें। अगर आप बड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं ना, तो आप हाफ हाफ करके बनाएं, क्योंकि नमक डालने से सिंघाड़े आटा का जो टेक्सचर वो बदल जाता है, पानी छोड़ देता है या फिर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो हमने नमक ऐड कर दिया है। अब हमने ले लिया यहाँ पर एक अप्पे का पैन, इसमें हम डाल देंगे ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस रेसिपी को आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, यदि आपके पास अप्पे पैन ना हो तो। अब हम अच्छी तरह से इसे ग्रीसिंग कर देते हैं और पहले हम इसमें हाफ हाफ भरेंगे और इसके बाद हम इसमें हमारा जो स्टफिंग बनाकर तैयार किए हैं बॉल्स का, वो हम इसमें डालेंगे और फिर उसके ऊपर से हम पोर करेंगे, जिससे कि अच्छी तरह से ये फिल हो जाएगा। इसमें हमें इनो वगैरह ऐड नहीं करना है। अगर आपने इनो या मीठो सोडा का इस्तेमाल किया तो पहली बात तो व्रत में खाया नहीं जाता, और दूसरी बात ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा, बिखरने लगेगा। तो आप मीठा सोडा या इनो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और अब हम इसमें देखिए बॉल्स लगा देंगे और हम दूसरी तरफ से कवर कर देंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी, बनाने में आसान और बहुत ही जल्दी से बहुत ही कम तेल में बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने सभी में रख दिया है। अब ऊपर से भी हम लगा देते हैं हमारे बैटर को। दोनों तरफ से बैटर डाल के हम इसे 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो हमने इसे 1 मिनट के लिए कवर कर दिया था। अब ये देखिए अच्छी तरह से ये सेक गए हैं एक तरफ से, दोनों ही तरफ से हमें इसे सेक लेना है। तो 2-2 मिनट करके ही सेकें, मीडियम फ्लेम पर, मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब इन्हें टर्न कर लेते हैं। ये थोड़ी सी स्टिकी कंसिस्टेंसी का होता है, इसलिए आप बिल्कुल भी ना घबराएं। और दोनों ही तरफ से हमने अच्छी तरह से इन्हें सेक लेना है। थोड़ा सा ऑयल हम और लगा देते हैं। ये देखिए 2 मिनट के लिए हमने फिर से कवर कर दिया था। अब ये दोनों ही तरफ से बहुत ही अच्छी तरह से सेक चुके हैं, तो इन्हें अब हम बाहर निकाल लेते हैं। किसी भी चटनी, दही के साथ आप इन्हें सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगने वाला है ये। तो दोनों ही तरफ से अच्छी तरह से सेक चुका है, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं बाहर। मैंने इसके लिए धनिया, मिर्ची और सेंधा नमक की चटनी बनाकर तैयार की है। तो ये लीजिए बनकर तैयार है हमारे व्रत के स्पेशल बहुत ही टेस्टी अप्पे।
आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मेरी सबसे पहले मिले।